नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल देसी पना में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का यह वीडियो पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग हिल स्टेशन से संबंधित है। आइए दार्जिलिंग के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में आपको जानकारी देती हूँ। 19वीं सदी के आरंभ में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान दार्जिलिंग की पहचान ब्रिटिश अधिकारियों और सैनिकों और उसके परिवारों के लिए संभावित ग्रीष्मकालीन आश्रय स्थल के रूप में की गई। सकरी पर्वत श्रृंखला को सिक्किम राज्य से पट्टे पर लिया गया था, अतः ब्रिटिश भारत में मिला गया था। दार्जिलिंग के नीचे के ढलानों पर चाय के उगाने का प्रयोग अत्यधिक सफल रहा। जंगलों को साफ करने, यूरोपीय शैली के कॉटेज बनाने और चाय बागानों में काम करने के लिए हजारों मजदूरों को मुख्य रूप से नेपाल से भर्ती किया गया था। बड़े पैमाने पर वनों की कटाई ने स्वदेशी लोगों को विस्थापित कर दिया। भारत में रहने वाले अंग्रेजों के बच्चों के शिक्षा के लिए दार्जिलिंग इसके आसपास आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए। 19वीं सदी के अंत तक एक नया नेरो गेज पर्वतीय रेलवे दार्जिलिंग हिमालय रेलवे गर्मियों में शहर में रहने वाले लोगों का ला रहा था। 1947 में भारत के स्वतंत्रता के बाद जब अंग्रेजों ने दार्जिलिंग से चले गए तो उनके कैट कॉटेज मैदानी इलाकों के धनी व्यक्ति भारतीयों द्वारा खरीद लिए गए तथा चाय बागानों को भारत के भारतीय व्यापारियों और बड़े समूह द्वारा खरीद लिया गया। दार्जिलिंग की आबादी आज मुख्य रूप से उन स्वदेशी और अप्रवासी मजदूर के वंशजों से बनी है जो शहर के मूल विकास में कार्यरत रहती है। हालांकि इनकी आम भाषा नेपाली भाषा को भारत में राज्य और संघीय स्तर पर अत्यधिक मान्यता दी गई है, लेकिन मान्यता ने भाषा बोलने के लिए बहुत अधिक सार्थक रोजगार पैदा किया है, न ही उनसे उनके राजनीतिक मामलों में उनकी भूमिका में कोई खास इजाफा हुआ है। चाय उद्योग और पर्यटन शहर की अर्थव्यवस्था की मुख्य आधार है। भारत की आज़ादी के बाद इस क्षेत्रों में वनों की कटाई के ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, जिससे शहर की पानी की आपूर्ति करने के लिए बरहमासी झरने से प्रभावित हुए हैं। इस बीच दार्जिलिंग की आबादी पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। अनियमित निर्माण, ट्रैफिक जाम और पानी की कमी आम बात है। सरकारी स्कूलों में पढ़े लिखे कई युवा स्थानीय लोग अपने कौशल से मेल खाने वाली नौकरियों की कमी के कारण प्लान कर रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में आए प्रवासियों की तरह उन्हें भी कुछ भारतीय शहरों में भेदभाव और नक्सलवाद का सामना करना पड़ता है। इनकी सांस्कृतिक अत्यधिक महानगरीय है, जो विभिन्न जातीय समूह के आपस में घुलने मिलने और अपनी ऐतिहासिक जड़ों से दूर विकसित होने का परिणाम है। इस क्षेत्र में स्वदेशी व्यंजन किण्वित खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ से भरपूर है। 19वीं सदी के मध्य में पर्यटन दार्जिलिंग आते रहे। 1999 में इनके समर्थन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान के बाद दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया। 2005 में दार्जिलिंग चाय को विश्व व्यापार संगठन द्वारा भौगोलिक संकेत दिया गया, जो ब्रांड की सुरक्षा के साथ साथ इसे उत्पादित करने वाले क्षेत्र के लिए भी विकास किया गया था। दार्जिलिंग अपनी चाय और कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला के शानदार दृश्य के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत में अपनी समृद्धि और प्रसिद्ध टॉय ट्रेन के लिए भी जाना जाता है, जिसे संयुक्त राज्य की घर की धरोहर घोषित किया गया है। भारत की आज़ादी के बाद इस क्षेत्र में वनों की कटाई के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है, जिससे शहर को पानी की आपूर्ति करने में बहुत
मेहनत करना पड़ रहा है। यह एक शानदार पहाड़ी नगरी है जो प्राकृतिक दृश्य, चाय बागानों और बगीचों के लिए पूरे शहरों में, पूरी दुनिया में मशहूर है। टाइगर हिल दार्जिलिंग का एक प्रमुख पर्वतीय झील है जहां आप शानदार पर्वतीय दृश्य का आनंद ले सकते हैं। की रानी के नाम से मशहूर दार्जिलिंग भारत के पश्चिम बंगाल के मध्य में स्थित एक हिमालयी शहर है। पहाड़ियों की प्राचीन सुंदरता के अतीत की देहाती आकर्षण और प्रसन्नतापूर्वक स्वागत करने वाले स्थानीय लोगों को अविश्वसनीय मिश्रण, इसे ही दार्जिलिंग कहते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी प्रसन्नतापूर्वक लोगों का स्वागत करते हैं। युवा तथा वृद्ध दोनों के लिए आदर्श छुट्टी स्थल है। आप रोमांटिक छुट्टी मनाने की योजना बना रहे हैं तो यह शहर उदासी को दूर भगाने वाला है। निश्चिंत है कि दार्जिलिंग में सभी के लिए जगह है। समुद्र तल से 2500 मीटर के ऊपर स्थित होने के कारण, सुखमय ठंडी जलवायु के कारण दार्जिलिंग भीषण गर्मी से भी काफ़ी राहत दिलाती है। के बड़े बागानों की हरी भरी हरियाली और 100 से ज़्यादा महिलाएं चाय की पत्तियां तोड़ती हुई, यह नज़ारा निसंदेह मनमोहक नज़ारा है। यह आपको लगभग डाइट आइसलिंग वाली हरी पेस्ट्री की याद दिलाता है। हर संभव तरीके से संजो जोने वाला नज़ारा, पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर हल्की बर्फीली हवाओं के साथ गर्म प्रसिद्ध दार्जिलिंग चाय की चुस्की लेना काफ़ी मनमोहक और अद्भुत अनुभव देता है। आपके दिमाग में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा। यह कम से कम आश्चर्य की बात है कि दार्जिलिंग देश की चाय की राजधानी भी कही जाती है। रासी पहाड़ों की भव्यता, चाय के बागानों का मनोरम दृश्य, टॉय ट्रेन, रोपवे की सवारी, ये सभी दार्जिलिंग को शुद्ध प्राचीन भव्यता का हिस्सा बनाता है तथा दार्जिलिंग की बेहतरीन जगहों की सूची देता है जिन्हें आपको प्रतिष्ठित स्थान पर जाने को अवश्य होना चाहिए। दार्जिलिंग में घूमने के लिए विशेष चीज़ें ये है: दार्जिलिंग टॉय ट्रेन, नाइट लॉन्ग पार्क, रॉपवे इत्यादि। कंचनजंगा, जिसे कंचनजंगा भी कहा जाता है, ये दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसका शिखर हिमालय से एक भाग कंचनजंगा हिमल में 8,586 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग से लेकर नेपाल की सीमा पर है। कंचनजंगा दार्जिलिंग की टाइगर पहाड़ी से कंचनजंगा का दृश्य उच्चतम और काफ़ी खूबसूरत दिखता है और यह बर्फों से बना हुआ स्लीपिंग बुद्धा का भी स्वरूप को बनाता है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान उच्च कंचनजंगा जैव आरक्षित क्षेत्र का मुख्य क्षेत्र है, जिसे 2016 में यूनेस्को के द्वारा भारत का पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। इस घोषणा से स्थित स्थल की समृद्ध प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत की पहचान स्पष्ट हुई है। इस उद्यान में वर्ष के अधिकांश भाग ज़्यादातर बर्फ से ढका होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह पाइन फॉरेस्ट है जो काफ़ी घना और संकीर्ण है। यहाँ पे आपको एक सुखद अनुभव महसूस होगा। आप यहाँ बैठ के कुछ अच्छे पल अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं।
अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।